हजारीबाग बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम को लेकर बुधवार की सुबह से मतगणना स्थल पर गहमागहमी रही। गिनती शुरू हुई, शुरुआत अध्यक्ष पद से हुआ। मुकाबला त्रिकोणीय रहने के कारण इतना नजदीकी रहा कि कभी जवाहर प्रसाद तो कभी राजकुमार राजू आगे पीछे होते रहे। बीच में एक वक्त निवर्तमान अध्यक्ष मिथिलेश कुमार नन्हे भी आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, मुकाबला राजकुमार राजू और जवाहर प्रसाद के बीच आ गया। दोनों के ऊपर नीचे होने के दौरान उनके समर्थक एक दूसरे के पक्ष में नारेबाजी करते रहे। मतगणना खत्म हुई तो इस त्रिकोणीय मुकाबले का परिणाम राजकुमार राजू के पक्ष में आया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जवाहर प्रसाद को 12 मतों से हरा दिया। राजकुमार राजू को 270 और जवाहर प्रसाद को 258 मत मिला, जबकि मिथिलेश कुमार नन्हे को 228 मत मिले। गौरतलब बुर्ग में राजकुमार राजू हजारीबाग बार एसोसिएशन के सचिव रह चुके हैं, साथ ही अभी झारखंड स्टेट बार काउंसिल में पदाधिकारी है। हजारीबाग से प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। जैसा कि कुछ देर पहले आवाज डेली हर्षी टीवी आपको बता रहा था कि 2 बजे तक रुझान आना है, लेकिन रुझान नहीं, रिजल्ट आ चुका है। और अध्यक्ष पद के लिए बार एसोसिएशन सबसे चहेते और सबके प्रिय बने हैं राजकुमार राजू जी। आइए हम मुलाकात करवाते हैं, हर्षी टीवी आपको मुलाकात करवाता है राजकुमार राजू से। कुछ कहना चाहते हैं सर, पहली प्रतिक्रिया आवाज डेली हर्षी टीवी पर। मेरा सचिव के रूप में लोगों ने परफॉर्मेंस देखा है। चुनाव के एक दिन पूर्व आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था कि साजिशें हारती है, सच्चाई जीतता है। मैंने कहा था हमारे बारे में कोई जातिवाद नहीं है, कोई कितना भी खर्च करे वो चलता नहीं है, हमेशा सच जीतता है। ये सच की जीत है, कर्म की जीत है और कुछ नहीं है। लोगों ने बार के भलाई के लिए मत किया है और कुछ भी नहीं था। मैं सारे अपने बुजुर्गों को, सारे युवाओं को, सबको धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने मुझे मत दिया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा कर्तव्य सबके लिए समान है, चाहे वो मुझे मत दिए हो चाहे नहीं दिए हो। जो मेरे दिल के लोग थे वो मेरे दिल में थे, मेरे दिल में है, मेरे दिल में रहेंगे हमेशा। आपके जो घोषणा था वो पूरा होगी अब लगता है? बिल्कुल। अरे मैंने तो सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगा था ना, मैंने कहा था कि अगर आपको काम चाहिए तो काम दीजिए। अरे एक बुद्धिजीवी वर्ग की ताकत क्या होती है ये इस चुनाव परिणाम में नजर आया। 1.5 वर्षों से लोग प्रचार कर रहे थे, मैं एक सरप्राइज कैंडिडेट के रूप में अचानक आया। और सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है, मात्र एक दिन अर्हता को मैंने पूरा किया था। और मैं शायद पूरे झारखंड, पूरे भारत में सबसे युवा महासचिव बना था। आज हजारीबाग ने पुनः कीर्तिमान स्थापित किया, सबसे युवा अध्यक्ष बनाकर दिखा दिया है। कितने वोट आपको मिले? मुझे 272 वोट। आवाज डेली हर्षी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं, बार की उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। और मैं वचन देता हूँ, बार का तकदीर ऊंचा था, झारखंड में नंबर 1 था, पुनः नंबर 1 पर जाएगा और कोई रोक नहीं सकता।